नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। साइंस का एक और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज, और उसका जो यूनिट है यूनिट नंबर फाइव। इस यूनिट नंबर फाइव के अंदर हम रॉक्स, सॉयल एंड मिनरल्स पर बात करने वाले हैं आपके साथ। तो छठा चैप्टर है ये, यूनिट नंबर फाइव है, चैप्टर नंबर सिक्स सॉयल है इसका नाम। तो सॉयल क्या है, सॉयल पढ़ते हैं सबसे पहले। सॉयल लाइक एयर एंड वाटर इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी जो है ना, ये नेचुरल रिसोर्स है, हम नहीं बनाते हैं इसे, ये प्रकृति ने बनाई है। जिस तरीके से पानी, हवा, ये प्रकृति ने बनाई, उसी प्रकार से मिट्टी भी नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। बिकॉज इट लाइज बीनीथ आवर फीट and is often hidden by the buildings and the road, we may not often think about how much it affects our lives and much we depend on it. कहता है मिट्टी जो है वो कहाँ रहती है, नीचे रहती है, बिल्डिंग के नीचे छुप जाती है, सड़क के नीचे छुप जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए हमें इसकी ज़्यादा महत्व के बारे में पता नहीं है। लेकिन वास्तव में ये मिट्टी, ये सॉयल जो है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब कहता है What is soil? मिट्टी क्या है, अब जानते हैं इसके बारे में। What is soil? ठीक है, तो कहते हैं soil is material found on the earth surface that composed of organic and inorganic material। यानी ये soil जो है वो दो तरह की चीजों से मिलकर बनी है, एक ऑर्गेनिक ठीक है और दूसरा इनऑर्गेनिक, जैविक और अजैविक ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के सब्सटेंसेस, दो चीजों से मिलकर के बनी है। सॉयल वेरीज ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अलग अलग स्थानों पर जाएंगे आप तो अलग अलग तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सॉयल की स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग तरह की अलग अलग स्थानों पर बदलती रहती है, राइट। अब बात करते हैं सॉयल फॉर्मेशन की। सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल फॉर्मेशन का मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ऑल सॉयल्स इनिशियली कम्स फ्रॉम द रॉक्स। मिट्टी जो भी है वो कहां से बनी है, रॉक्स से बनी है, चट्टाने जिसे आप कहते हैं। आप कभी पहाड़ पर गए हो तो वहां पर जो पहाड़ियां होती हैं वो चट्टानों से बनी होती है। तो कहता है वो मिट्टी किसी भी तरह की हो, वो सारी की सारी किससे मिलकर के बनी है, रॉक्स से मिलकर के बनी है। द हीट ऑफ द सन makes cracks in the large rocks and rain water collects in the cracks। कहता सूरज जब हीट होता है तो वो क्या करता है, इन रॉक्स के अंदर क्रैक पैदा कर देता है, टूट जाती हैं वो चट्टाने, है ना। चट्टाने कुछ अगर आप तोड़कर देखो तो रेत जैसी चीज से बनी हुई होती हैं। तो सन से मिलती है हीट और हीट मिलने से रॉक्स के अंदर बेटा क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता, और उसके बाद उस क्रैक के अंदर बरसात होने से क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। इन विंटर द वाटर इन द क्रैक्स फ्रीज टू फॉर्म विच नीड्स स्पेस टू एक्सपेक्ट। कहता है और सर्दी का मौसम जब आता है तो उन्हीं चट्टानों के अंदर जो भरा हुआ पानी है वो बर्फ जम जाती है, और उसके कारण वो चट्टानें जो हैं वो फैल जाती हैं, और फैल जब जाती हैं तो रॉक्स ब्रेक और वो टूट जाती हैं इंटू पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में, ड्यू टू द ट्रिमेंडस प्रेशर एक्सटेंडेड बाई द आइस फॉर द एक्सपेंशन। मैंने क्या बताया कि रॉक्स होती हैं, सूरज की गर्मी पड़ती है, उनमें क्रैक आ जाते हैं, क्रैक का मतलब उनमें दरार पड़ जाती है, बारिश होती है तो उन दरारों के अंदर पानी भर जाता है, पानी जो है वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, और वो पानी जब फ्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है, चट्टानों को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है बच्चों। कितने स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अगेंस्ट द रॉक्स, और जब हवाएं चलती हैं तो रिवर्स
दैट फ्लो डाउन द माउंटेन कैरी पीसेज ऑफ रॉक्स, ठीक है, हवाएं चलने से वो चट्टाने, या नदियां जो पहाड़ों से लेकर नीचे की तरफ मैदानों की तरफ बहती हैं, तो ये जो चट्टाने हैं टूटी हुई चट्टाने ये बहकर पानी के साथ नीचे आ जाती हैं ड्यू टू रबिंग ऑफ द स्टोन्स, और पत्थरों के आपस में रगड़ खाने से एक दूसरे के साथ, जब वो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एक दूसरे के साथ रगड़ भी खाएंगे, तो रगड़ खाने से स्मॉल पीसीज आर फॉर्म्ड टिल दे बिकम टिनी पार्टिकल्स, और वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, यानी वही चट्टाने जो पहाड़ों से नीचे गिरी, गिरने के बाद आपस में रगड़ खाती हैं तो छोटे छोटे टूटती जाती हैं और छोटी होती जाती हैं और टूट करके छोटे छोटी चट्टानों में बन जाती हैं जी। डिफरेंट सॉइल्स कंटेन डिफरेंट मिनरल्स, और उन्हीं से मिट्टी बनती है जी, और कहते हैं अलग अलग सॉइल्स के अंदर अलग अलग मिट्टियों के अंदर अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का मतलब मिनरल पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खनिज कहते हैं। Soils also contain the remains of the dead animals. उस मिट्टी के अंदर कुछ मरे हुए जीव भी होते हैं जी। And plants, पौधों का पार्ट भी होता है जी। है? This decayed matter is called humus. है? तो आपसे क्या कहा गया? Humus कहते हैं। Humus किसे बोला गया? आप कहते हैं जो dead animals के पार्ट हैं और dead body parts आपके किसी dead animals और साथ ही साथ डेड प्लांट्स के पार्ट्स जो उन रॉक्स के अंदर प्रेजेंट हैं दे वो मिलकर के क्या बना देते हैं बेटा, वो ह्यूमस बना देते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉइल्स के, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, सॉइल इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, इज डिफरेंट इन नेचर, हाँ अलग अलग जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती है। अगर आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ अलग अलग जगह पर जाकर के देखें तो मिट्टी अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग रंग की भी मिल जाएगी आपको मिट्टी, काले रंग की, लाल रंग की, भूरे रंग की, पीले रंग की, तो आप कह सकते हैं अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग टाइप की होती है। सॉइल कंटेन्स स्टोन, पत्थर होते हैं इनके अंदर, सैंड होती है, रेत होती है, क्ले और लूम, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बट इट ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर, मिट्टी के अंदर एयर की मात्रा भी होती है, पानी की और वाटर की मात्रा भी होती है। थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल्स बताया जा रहा है, सैंडी, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल्स। क्या क्या नाम दिया गया टाइप्स ऑफ सॉइल में? सबसे पहले सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। दूसरी टाइप की क्ले सॉइल, और थर्ड टाइप बोला जा रहा है लोमी, एल ओ एम वाई, लोमी सॉइल, ठीक है। तीन अलग अलग तरह की मिट्टियां बताई गई आपको, आइए इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं और क्या क्या किस तरह की फसल इनके अंदर उग सकती है इसके बारे में भी शायद जानकारी दें। तो शुरुआत कर रहे हैं सैंडी सॉइल के बारे में, कहते हैं सैंडी सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स और रॉक्स दैट आर जस्ट बिग एनफ टू सी। सैंडी भी, सैंड का मतलब रेत होता है, इसका मतलब रेतीली मिट्टी जिसके अंदर रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब बताया गया उसने कि जिसके अंदर रेतीला पदार्थ ज़्यादा होता है। द सॉयल ऑन द बीच इज मेनली मेड अप ऑफ सैंड, बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र के किनारे, वहाँ पर रेतीली मिट्टी ज़्यादा मिलती है। वाटर रन्स थ्रू सैंडी सॉयल क्विकली, और पानी जल्दी से इनके द्वारा सोख लिया जाता है। इट इज ईजी टू बिग सैंडी सॉइल, इट इज ईजी टू डिग सैंडी सॉइल, जो मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है उसको खोदना आसान होता है। देर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, और इनके बीच में बहुत जगह भी होती है, ठीक है। रेतील जब बड़े बड़े कण होंगे तो उनके अंदर जगह होगी और पानी जल्दी से आसानी के अंदर नीचे चला जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरी मिट्टी बताई जा रही है क्ले सॉइल, क्ले सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल ग्रेन्स ऑफ पार्टिकल, ये और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जी। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन हार्डली सी देम, हम उनको देख नहीं सकते, इतने छोटे छोटे कण होते हैं उनमें। दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत जो एक दूसरे के पास पास भी होते हैं, यानी ये छोटे छोटे कणों से बनी हुई होती है, पार्टिकल से बनी हुई होती है, और वो पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक भी होते हैं। द स्पेसिस बिटवीन देम आर
small, so it contains much, not contain much air. ठीक है, वो कण बहुत एक दूसरे के नजदीक होते हैं जिसके कारण उनके बीच में जगह नहीं होती, तो इसका मतलब हवा भी नहीं उनके बीच में ज्यादा भरेगी जी. वेट क्ले स्टिकी, गीली मिट्टी जो होती है वो तो चिपक जाती है जी. एंड इज यूजली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, इसलिए बर्तन वगैरह बनाने के लिए उस मिट्टी को, खिलौने बनाने के लिए यूज करते हैं. दिस सॉइल कैन कंटेन लॉट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा बहुत सारी इसके अंदर सोख ली जाती है. दिस सॉइल इज गुड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए भी अच्छी है, पौधे उगने के लिए भी अच्छी है. लाइक पैडी, धान की फसल के लिए, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, इस तरह की फसल को उगाने के लिए इस मिट्टी को अच्छा माना जाता है. ठीक है, तीसरे टाइप की सॉइल कह रहा है लोमी से सॉइल. लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सॉइल दैट इज आइडियल फॉर प्लांट ग्रोइंग मीडियम. लोमी सॉइल के बारे में कहा जाता है कि पौधे उगाने के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है. इट हैज ए लॉट ऑफ ह्यूमस, इसमें काफी सारा ह्यूमस होता है, ह्यूमस अभी पीछे बताया था मैंने आपको. इन इट लोम इज द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड ह्यूमस. इसको सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है क्योंकि इसके अंदर हवा भी होती है, पानी भी होती है और ह्यूमस की मात्रा भी इसके अंदर उपस्थित होती है. ह्यूमस इज मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. और ह्यूमस के बारे में भी पीछे बताया था मैंने आपको कि डेड एनिमल्स होते हैं उसमें, प्लांट्स की कुछ मात्रा भी उसके अंदर उपस्थित होती है. हाँ, उनके पार्ट्स होते हैं, पूरे पूरे नहीं, पार्ट्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंश होता है. इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जिसके कारण ये ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी उसमें पौधे अच्छे से उग सकते हैं. प्लांट्स ग्रो वेल इन द लोमी सॉइल, पौधे उस लोमी सॉइल के अंदर अच्छी तरह से उग सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज हमने सॉइल से स्टार्ट किया, सॉइल क्या होती है, सॉइल कैसे बनती है और सॉइल के तीन अलग अलग टाइप कौन कौन से होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा. इतना ही रहने देंगे इसमें. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.